आश्रित आज बताओ तो बाबा फैन कहाँ है? फैन मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज है ट्यूजडे एंड इट्स नॉट मॉर्निंग टाइम गाइज। मॉर्निंग वॉज सो सुपर हसल। तो सुबह निमी के क्लासेस थे, संदीप की मीटिंग रहती है ट्यूजडे मॉर्निंग को, तो सब भागा भागी में मैगी गुजरा। मैंने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाया। अच्छा, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट के बनाने के चक्कर में मैं तो एक बात बताना भूल गई। कैन यू इमेजिन, टुडे आई वोक अप एट 7:25 एंड दैट ऑल्सो संदीप वोक मी अप। किसी तरह जाके नूडल बॉइल किया, नूडल्स बनाए ब्रेकफास्ट में, और संदीप भागा अपना मीटिंग के लिए एज यूजुअल। बैंगलोर का वेदर इज सो अनप्रिडिक्टेबल। सुबह इतना अच्छा सनी वेदर था एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं जब आश्रित को दोपहर को सुलाने के लिए गई, बारिश स्टार्ट हो गई। संदीप तभी नहाने घुसा था और बालकनी में भरे हुए कपड़े बाहर। फिर आश्रित को सुलाया नहीं, मैं भाग भाग के पहले जाके कपड़े उठाई, क्योंकि यू नो बच्चे के इतने सारे कपड़े रहते हैं यार साथ में। आशु का काथा, बेडशीट वगैरह सब सुबह से दिया था और सब सूखे हुए थे। भीग जाने से इतना बुरा लगता है ना। एंड यू हैव सो मच क्लोथ टू पुट अराउंड इन द हाउस, उससे बेटर सूख जाए तो अच्छा है। तो जल्दी जल्दी भाग के वो सब उठाया मैंने, और लकीली कोई भींगा नहीं, थोड़ा बहुत जो भींगा हुआ था दैट्स इट, बट कुछ भींगा नहीं तो दैट्स गुड। एंड फाइनली मेरा चश्मा दोनों आ गया जो मैंने टाइटन से बनाने के लिए दिया था, तो वो डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी क्या हो चुकी है, संदीप जाके लेके आया वो, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा हुआ है। एंड दो डिफरेंट तरह के फ्रेम है, और एक चीज़ दिखाती हूँ, एक नई चीज़ हुई है हमारे घर में गौरव बाबा की कृपा से। तो समथिंग अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो गेस कर लो। और एक चीज़ गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड लेट्स रोल द डे नाउ गाइज। ये आज का वेदर, काला आसमान और बारिश। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, ये दोपहर को बारिश स्टार्ट हुई है एंड इट्स सो डार्क एंड ग्लूमी नाउ। आशु भाव 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 नहीं बाबा, बर्ड है आशु ना, आशु का सब भाव है आशु। आज आपको दिखाती हूँ संदीप को ऑफिस टेबल का क्या हालत रहता है। मेरी बेटी ये छोड़ के गई है ताकि पापा ये क्लॉक ना देख के ये देखें, और ये और ये और वो भी दिखा, ये दो ये फेंकने नहीं दे रही है, ठीक है। ऐसे न जाने कितने आते हैं सोना। हाँ, उसको पूछा कि तुम ले लो ये, बोले नहीं नहीं मेरे पास बहुत है, यू टेक इट, दिस इज फॉर यू। तो गाइस अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, बच्चों को सुला के आई हूँ और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फाइनली मेरे चश्मे। तो फर्स्ट वन इज, अच्छा इनका डब्बा का क्वालिटी चेंज हुआ है, आई रियलाइज इट, इट्स लाइक द लेंस कट वन नाउ विच आई लाइक। फर्स्ट वन इज दिस, मैं पहन के दिखाती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट वन, काइंड ऑफ मेरे ये पुराने वाले की तरह। तो दिस इज द फर्स्ट वन, और नेक्स्ट वन इज दिस, आई वेंट विद संदीप। अच्छा ये मैं बता दूँ, दिस ये टाइटन का खुद का ब्रांड का है, सो दिस इज टाइटन, और ये एक्चुअली है, और ये है फास्ट ट्रैक का। मैंने रियलाइज नहीं किया जब मैंने चूज किया था, बट दिस इज फास्ट ट्रैक। मुझे सबसे अच्छा इसके ये लगे, इट्स सो कूल। सो मैं ये भी पहन के दिखाती हूँ आपको। ये दिस इज द सेकंड वन, तो दिस इज हाउ इट इज, और थोड़े कैट आई की तरह है, थोड़े आजकल थोड़े यू नो ओवल काइंड ऑफ बिगर फ्रेम्स चले हैं ना,
उस तरह के हैं, दिस इज वेरी कैची, मुझे बहुत पसंद आया इसका, ये साइड का फ्रेम वाला। सो दिस आर माई टू फ्रेम्स, आपको कौन सा फ्रेम मुझ पर अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताओ, फर्स्ट और सेकेंड। आई थिंक डेली यूज के लिए ये अच्छा है, बट फॉर अ मूड चेंज दिस इज गुड। पर मजे की बात है, मैं महंगे महंगे चश्मे तो खरीद के ले आई हूँ, पर घर में अभी भी पहनी टूटा हुआ चश्मा ही रह रही हूँ आशू के डर से, कहीं मेरा अच्छा चश्मा ना तोड़ दे। तो ये जितना दिन चलता है इसे घर में यही पहनूंगी। अच्छा नहीं है बाबा, चिच्ची है, सुनो चिच्ची आशु संता नहीं रोते बेटा, मम्मा मैंने गिव समथिंग एल्स, नहीं रोते आशु, रोए कहीं बाहर हो या कुछ भी करे, फैन फाय पूछे तो आशु कैसे दिखा दे है ना, आशु आशु फैन का है बाबा, कंटिन्यूअसली करेंगे। तो गाइस मैंने जो आपको पहले बताया था, मैं आपको गौरव बाबा का एक ट्रिक बताऊंगी। एक्चुअली मैं गौरव सनेजा जो फ्लाइंग बेस्ट चैनल में आते हैं, एक्चुअली गौरव एक ट्रिक यूज करता है रसबरी के लिए, रसबरी फैन का है, दैट ट्रिक वी स्टार्टेड यूजिंग एन आशु। आपको लग रहा होगा हाँ मैं गौरव को कॉपी कर रही हूँ, बिल्कुल सही लग रहा है, बट गाइज इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक। ही वॉज मोर इन टू द फैन, आई थिंक मे बी इट्स मूव, दैट्स वाई बच्चे फैन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो फाइनली ही स्टिक्स टू फैन, तो अब जब भी आशु को पूछे आशु फैन कहाँ है, आशु विल शो अप। पहले बीच बीच में वो अप बोलता था, आजकल वो सिर्फ वेरी कन्वीनियंटली हाथ उठा देता है, इनफैक्ट कभी कभी तो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती आशु फैन कहाँ है, बस इस टोन में पूछो आशु और आशु फैन हाथ आशु। इनफैक्ट बाहर भी पूछ लो या वो कुछ भी कर रहे हैं पूछ लो, फैन नहीं है आसमान है कहीं भी पूछ लो, आशु सब फैन ऊपर है ऐसे, आशु फैन का है, आशु फैन का है। सो इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक गाइस, एज अ पेरेंट बहुत काम आता है ये सब टेक्निक। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, टुडे इज द नेक्स्ट डे और अभी बन रही है सुबह की चाय। नेमी अपना क्लास करने के लिए गई है, ये बच्चा क्रैंकी क्रैंकी घूम रहा है, अशोक फैन का है। तो गाइस अभी आफ्टरनून का टाइम और मैं अभी अभी आशु को नैप के लिए रख के आई हूँ और अभी हम सब खाने बैठेंगे। होपफुली आपको आज का व्लॉग पसंद आया है और आशु जो फैन दिखाना सीख गया है, होपफुली यू गाइस आल्सो लाइक इट, वी एंजॉयिंग डूइंग इट विद हिम। जब भी आशु को पूछा आशु फैन कहाँ, ही विल जस्ट कीप पॉइंटिंग अप एंड इट्स लाइक अ फन गेम टू नाउ, बस आशु टोन में बोलो एंड ही जस्ट विद एंथ विल शो अप। बताइएगा आपको कौन सा फ्रेम ज़्यादा पसंद आया, आई थिंक डेली वेयर वाला इज गुड फॉर दैट्स इट। और अगर आपको जानना है मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा टाइटन आई प्लस में, डू चेक दैट ब्लॉग आउट, आई विल पुट द लिंक ओवर हियर, तो आपको पता चले हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस। तो गाइस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और नहीं खींचूंगी, मिलूंगी आपसे फिर से एक नए ब्लॉग में, अंटिल द नेक्स्ट टाइम बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एट होम एंड बाय।